परेशान क्यों बैठे हो तुम? और ये क्या, तुम तो मायूस भी हो। अपने रब पे यकीन नहीं है क्या? अच्छा, अगर है तो क्यों दिल में एक बोझ लिए बैठे हो? मैं बताऊं क्यों है? क्यों है ये बोझ? क्योंकि लोगों से दिल लगाकर अपना ध्यान यहां वहां करने की कोशिश कर रहे हो। अपने दिल का हाल अपने रब को तो बताकर देखो, एक दफा सिर्फ, एक दफा यकीन करके देखो, दोबारा किसी से दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने रब से ताल्लुक रखो, उससे मोहब्बत करो। वो सुनता है, वो सबकी सुनता है। रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। जबकि रब खुद कह रहा है कि मैं सुनता हूं, तो इसमें क्या शक है कि वो तुम्हें राहत नहीं देगा? अगर इतनी दुआएं मांग कर भी दिल को चैन नहीं पड़ रहा, तो समझो आजमाइश है। तो तुम पीछे मत हटो, मांगने से मत हटो। हमेशा याद रखो, सुकून चैन करार उसी ने देना है। जो कुछ भी देना है उसी ने देना है। सिर्फ उससे मोहब्बत करो, सिर्फ उससे ताल्लुक रखो। लोगों से नहीं, उससे दिल लगा के देखो। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी परेशानी कब तक रुकती है, तुम्हें कैसे राहत नहीं मिलती। सिर्फ एक दफा उससे मोहब्बत करके तो देखो, उससे दिल लगा कर तो देखो, उसी जज्बे से और उसी मान से जैसे तुम लोगों से दिल लगाते हो।